गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज का जो आसन है जिसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे उसका नाम है नौका आसन। नौका आसन, इसको बोट पोज भी कहते हैं, बोट पोज। ठीक है, इस आसन को करने से फायदे क्या क्या होते हैं वो जान लेते हैं। हम पहले, सबसे पहला फायदा तो ये है कि ये फैट, जिसको मोटापा भी बोलते हैं, ये उसको कम करने में बहुत ज़्यादा कारगर है, सफल है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है इस आसन को करने से। ठीक है, सेकंड, पेट पर, कमर पे जो एक्स्ट्रा फैट होती है जिसको चर्बी बोलते हैं, ये इसको रिड्यूस करने में बहुत फ़ायदा करता है, बहुत जल्दी ये उसके लिए अच्छा है वो करने से। थर्ड, ये हमारे पाचन शक्ति यानी हमारे डाइजेशन सिस्टम को काफ़ी अच्छा करता है। डाइजेशन सिस्टम इस आसन को करने से हमारा काफ़ी अच्छा होता है। फोर्थ, ये हमारे किडनी को सुचारू रूप से सही ढंग से चलाता है। किडनी हमारा, किडनी जैसे किडनी में अगर क्रिएटिनिन बढ़ जाए तो बहुत तरह की बीमारियां होती है, आँखों में प्रॉब्लम होने लगते हैं, फिर किडनी फेलियर तक की चांसेस आ जाती है। तो ये जो आसन है उसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत फ़ायदेमंद, किडनी को सुचारू रूप से चलाने में ये बहुत फ़ायदेमंद है। फिर हमारे मसल्स होते हैं, बॉडी मसल्स है, जैसे हैंड है, पूरे मतलब फुल बॉडी मसल्स, ये हमारे बॉडी मसल्स को अगर ये बंधे हुए यानी जैम होते हैं, एक तरह से जैम बोलिए, तो वो उसको सुचारू रूप से मतलब ठीक करता है, जैम से निकालता है, मसल्स हमारे स्ट्रॉन्ग करता है ये आसन जो है। और क्या फ़ायदे हैं, ये हमारे स्पाइन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे स्पाइन को ये बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। अगर ये आसन हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो ये हमारे स्पाइन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, इसके फ़ायदे हैं ये सब। ठीक है, अब जो है, अब ये आसन किसको नहीं करना चाहिए। तो ये आसन अगर किसी को कमर में दर्द, पीठ में दर्द रेगुलरली रहता है, हमेशा ही रहता है, तो वो इस आसन को नहीं करें। जिसका लो ब्लड प्रेशर है वो इस आसन को नहीं करेंगे, हार्ट के पेशेंट हो, अस्थमा पेशेंट हो, वो इस आसन को नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर किसी भी तरह की सर्जरी हुई हो पेट में खास करके, मतलब हाल फिलहाल 6 to 8 months में, तो वो इस आसन को नहीं करेंगे, बिल्कुल भी ना करें तो बेहतर होगा। और अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ही करें। ठीक है, तो अब हम लोग ये जान लें कि इसको करते कैसे हैं, फायदे और फायदा क्या है और किसको नहीं करना, ये हम लोग जान लिए। अब इसको करते कैसे हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, इजी है, थोड़ा सा हार्ड होगा स्टार्टिंग के लिए, पर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो लोग एकदम सपाट जगह पर लेट जाएंगे, आराम से बिल्कुल ही लेट जाएंगे। हमारा दोनों पैर जो होगा वो ज्वाइंट रहेगा, हमारे हाथ ऐसे सटे हुए रहेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक लंबी सांस लेंगे, उसके बाद दोनों पैर एक साथ उठाएंगे एक, और उसके बाद हमारी जो अपर बॉडी है वो भी एक पोजीशन पे उठेगी। नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने देर तक इस पोजीशन में खुद को होल्ड कर सकते हैं। मिनिमम 5 सेकंड करने का कोशिश कीजिए, जितने सेकंड आप होल्ड कर सकते हैं उतने सेकंड होल्ड करना है, उसके बाद फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है, उसके बाद फिर से स्टार्ट करना है। इसी तरह ये जो आसन है नौका आसन, जिसको बोट पोज भी करते हैं, इसको करना है। ये करने से बहुत लाभ है। अभी जब करिएगा तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रेस फील होगा, तो ये चर्बी मोटापा बहुत जल्दी रिड्यूस करता है। ठीक है, थैंक यू।